बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको बनाना बेहद ही आसान होता है और ये झटपट बन जाती है। तकरीबन 2 घंटे में ये कढ़ी तैयार हो जाती है। अगर आपका कढ़ी खाने का दिल चाह रहा है तो आप 2 घंटे में ये कढ़ी आराम से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ये 2 बड़े अदद की प्याज ली हैं, जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। थोड़े से जवे हमने लहसुन के लिए हैं और 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम काट लेंगे और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। मसालों में हमने इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ली है और 4 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। अदरक लहसुन और प्याज का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें हम तमाम मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पतीली में हमने 4 से 5 टेबल स्पून भर के हमने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसको हम तकरीबन गर्म कर लेंगे। और जो भी तमाम मसाला हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसको हम इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने ये तकरीबन 1/2 किलो दही लिया है और इसमें हम 1 कप के बराबर बेसन ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम दही और बेसन जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसमें हम अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम एक बड़े साइज़ की पतीली लेंगे और इस तमाम मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से छान लेना है ताकि हमारी अच्छी सी चिकनी सी कढ़ी तैयार हो जाए। ये वेस्टेज जो बचा है हम इसको फेंक देंगे। कढ़ी को हमने हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया है। अब इसको हम तकरीबन उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें खोल ना जाए। हमें इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। दही हमारा जो है वो अच्छा होना चाहिए और बेसन भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपका बेसन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, कढ़ी ही उतनी ज़्यादा शानदार बनेगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मटर का बेसन भी मिलता है, जिससे कढ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब बनती है। कढ़ी में तकरीबन उबाल आ चुका है। अब इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देंगे। कढ़ी के पकौड़ों के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है और इसको हमने छान लिया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हमने इसमें सोडा ऐड करना है। सोडे से बहुत अच्छी नरम पकौड़ियाँ बनती हैं। इसके अलावा हम इसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, जो कि हमने काट ली है, और थोड़ा सा हमने धनिया ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको पानी की मदद से इसका लिक्विड बना लेंगे। हमें इसका लिक्विड इतना रखना है ताकि हमारी पकौड़ियाँ अच्छी से तैयार हो जाएं। हमें इसका लिक्विड ज़्यादा पतला नहीं रखना, हमें थोड़ा गाढ़ा लिक्विड इसका तैयार करना है। इस तरह का लिक्विड हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। कढ़ी के बघार के लिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, थोड़े से जवे हमने लहसुन के लिए जिनको हमने काट लिया है, 1 छोटे साइज़ की हमने प्याज ली है, थोड़ी सी हमने लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हमने ये साबुत धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून हमने इसमें हींग ली है, थोड़ा सा हमने इसमें कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी में हम हसबे जायका नमक ऐड करेंगे। हमने कड़ी में पहले नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि खुश्क होने के बाद बहुत ज़्यादा नमक तेज़ हो जाता है, इसलिए जब ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए तो इसमें आप नमक ऐड कर दें। कड़ी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। पकौड़ों के लिए हमने फ्राई पैन में इतना ऑयल डाला है कि इसमें पकौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और इसमें हम तमाम पकौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पकौड़ियाँ हमारी आधी फ्राई हो चुकी हैं, हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम कढ़ी में
फ़ौरन ही ऐड कर देंगे। हमें तमाम पकौड़ियाँ इसी तरह तैयार कर लेनी हैं। फ्राई की हुई पकौड़ियाँ हम कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से बघार तैयार करने के लिए हमने फ्राई पैन में ऑयल डाला है और इसमें हम कटी हुई प्याज और लहसुन डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम साबित लाल मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको भी हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे। तीनों चीज़ें फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम कड़ी पत्ता और हींग ऐड करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। कड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। अब इसमें हम ये फ्राई किया हुआ बघार ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन बंद करके रख देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम वक्त में तकरीबन 2 घंटे में तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।